ये अक्षर बिल्कुल सही उच्चारण होना चाहिए, हली म, बस। बाकी सारा मंत्र है, मैं अभी दूंगा तब आपको समझा दूंगा। रात को कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, कोई आके आपका गला पकड़ेगी नहीं, वो माँ तो गला पकड़ नहीं सकती, मार ही नहीं सकती, नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती, मात्र स्वरूप है वो। इसलिए लामा पद्धति में पहले एक माला पूरी अलीम मलीम मलीम मलीम, एक माला पूरी मंत्र जाप करके फिर मूल मंत्र करते हैं, फिर लास्ट में भी फिर अलीम मलीम मलीम एक माला करते हैं। ये लामा पद्धति है, तिब्बती पद्धति है। भारतीय पद्धति में अलीम की मंत्र जाप पहले नहीं होता, सीधी माला मंत्र जाप होता है। आपका प्रश्न है इस दोनों में से कौन सी विधि अपनाएं, दोनों में से कोई भी विधि अपनाइए, दोनों ही समान रूप से उपयोगी हैं। फिर एक पूरी माला वही, मंत्र वैसा ही, चिंतन वैसा ही, सब कुछ वही है। उसमें पहले उस बीज मंत्र की पहले एक पूरी माला होती है, फिर मंत्र जाप 11 माला होते हैं, फिर वापस एक अलीम बीज की माला होती है, उसमें 13 मालाएं होती है, इसमें 11 मालाएं होती हैं। इसलिए थोड़ा समय है तो पहले अलीम का पूरा एक बीज मंत्र की माला कर दें, फिर मूल मंत्र की 11 माला कर दें, फिर एक अलीम की माला कर दें, और ज्यादा प्रभावपूर्ण है, और ज्यादा ताकतवान है, और ज्यादा क्षमतावान। मैं कच्छा पहने हुए, बनियान पहने हुए नहीं, सिले हुए वस्त्र पहने हुए नहीं, धोती और दुपट्टा, और कभी भी शुरू कर सकते हैं। मैं कंटिन्यूसी में 11 दिन होने चाहिए, ऐसे 2 दिन किया, फिर 3 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन किया, फिर 5 दिन किया, ऐसा नहीं किया। स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, बालिका कर सकती है, बालक कर सकता है, वृद्ध कर सकता है, जवान कर सकता है, कोई भी कर सकता है मंत्र जाप को। मूल जरूरत क्या है वह मैंने आपको समझा दिया कि इसका इसकी विधि ऐसा इजी गोइंग नहीं है। कोई भी धोती पहनी हुई है, कपड़े सुबह के पहने हुए हैं, आपने मंत्र जाप कर दिया, उसे इफेक्ट आपका 10% मिलेगा। जो विधि बताई उस तरीके से करेंगे तो 100% मिलेगा। एक बार तो सिद्ध करना है, उसके बाद जीवन भर में बार बार करने की जरूरत नहीं है। फिर तो केवल 5 बार उच्चारण करना, कभी तकलीफ आ जाए तो एक माला करनी है। और इस मंत्र में एक शब्द आता है सर्वदुष्टानाम। सर्वदुष्टानाम, जितने भी दुष्ट हैं वे सभी शांत हो जाएं, कमजोर हो जाएं, मेरे अधीन हो जाएं। यदि कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है तो सर्वदुष्टानाम उसका नाम बोल जाए, पूनम चंद दुष्टानाम वाचम, ऐसा किशन लाल दुष्टानाम वाचम मुखम, ऐसा कोई दोष नहीं है। क्योंकि हम नुकसान नहीं, मृत्यु तो दे नहीं रहे, हम तो उसकी शत्रुता समाप्त कर रहे हैं। इसलिए एक बार जब मंत्र जाप करेंगे तब तो सर्वदुष्ट नाम का ही उपयोग करेंगे, मगर बाद में कभी एक माला मंत्र जाप करना, कोई व्यक्ति बहुत ही दुख दे ही रहा है तो फिर उसका नाम लेकर के भी मंत्र जाप किया जा सकता है। इसलिए यह मंत्र तीक्ष्ण है, प्रबल है, चैतन्य है, सिद्ध है, और मैं जो प्रयोग करवा रहा हूं तो चैतन्य सिद्ध करवा ही रहा हूं, इसलिए ज्यादा रूप से उपयोगी है, और मैं इसको प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। पुनः एक बार गणपति स्मरण करते हैं हाथ जोड़ करके। दीर्घोवतां वै परिपूर्ण सिंधुं लंबोदरं प्रबलं प्रमेयचतुल्यं अदस्मरातुं भवदेवरूपं गणेशं गणेशं गणनाथयुतं। ओ देवी का ध्यान करते हैं। खड्गं चक्रगदेषु चाप परिगांचूलं मुसुण्डे शिरा शंखं सन्दधतिं करेषु नयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास मद्युति मास पाद दस काम सेवे मा कालिकाम यामस्तौ सुपते हरो कमल जो हंतुम मधु कैटवम अक्षसक परशुम गदेशु कुलिसम पद्मम धनु कुंडिका दंडम शक्तिमसिंच चर्म जलजम घंटा सुरा भाजनम शूलम पास सुदर्शनेश दधतिम हस्ते प्रसन्नाननाम सेवे श्री ममृदनेमिय महाम लक्ष्मीम सरोजस्थिताम घंटा सूरहलानि शंखमुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जैर दलती गणांत विरसच्छुप्तान्तुर्दिशप्रवाम गौरी देशमुवाम त्रिनाम माधार भूतामाम पूर्वामत सरस्वती मनुमजे शुंभाद दैत्यर्दिनम श्री बगलामुखी मंत्र जापम सामेतुष्मानम बगलामुखी देवी मां संकल्पम कुर्यात संकल्प लें। ओम भारतवर्ष से बलखंडे जम्मूदीपे शालिवान साखे बोधावतारे समस्ते संबंध में समता आश्विन मास 2053 आश्विन मास वे शुक्ल पक्ष आस द्वितीयायाम रात्रो सा अमु गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र जाति अमु शर्मा हम नाम बोलिए बगलामुखी देवी सिद्धे महा गुरुदेव मुखेन बगलामुखी मंत्र प्राप्तेन सिद्धेन सातभ्यम संपर्द दे जल छोड़ दीजिए। स्वस्तिन तिलकम कृत्वा कुंकुम आपके हाथ में तिलक करिए। नमो शुदंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावये सहस्रनाम्ने सुशाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे नमः।
शिखावन्नम चोटी की गांठ लगाइए, मानस्तोग्नये मानाविकमानो गोकुमानो स्वाहवा महेशावन्नम तत्रादु यंत्रम प्राप्यते। बाएं हाथ में, वो आपका बाएं हाथ है, बाएं हाथ में सबसे नीचे माला रखिए, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के ऊपर गुटिका, गुटिका के ऊपर आपका अंगूठा, जैसे गुटिका गुड़के नहीं, मैंने गुटिका ली है, अंगूठा रखा हुआ है, अभी गुटिका गुड़ नहीं रही है। जल स्नानम समर्पयामि, जल से स्नान करवाई। ओम वर्णश्योत्तम भन्मसी वर्ण मनीषो वर्णश्य रथ सदन से वर्णमासी तत्रादु गंगे च यमुने च वर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। क्षिप्रादाम पुरुषाम एतोस्मान स जेन स्नानम समर्पयामि नमः असन प्रच्छयामि। पहुंच लीजिए। तत्र तिलकम कृत्वा, आपके पास कुमकुम है, कुमकुम से सबसे पहले यंत्र पर 11 बिंदियां लगाइए, 11 बिंदियां कहीं पर भी। ओम बगलामुख्यै नमः, शत्रु मर्दिनी नमः, तेजस्विताय नमः, चैतन्यै नमः, पूर्ण विजय प्राप्ताय नमः, सर्व सिद्धिदात्री नमः, एकता रूपिणी नमः, दुष्ट दलन रूपेण नमः, पूर्ण विजय प्राप्ताय नमः, सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, सर्व बगलामुख्यै नमः। एतोस्मानम मालायै ताम, एतोस्मानम माला हाथ में ले लीजिए, दाहिने हाथ में राइट हैंड में माला लीजिए, बाएं हाथ में यंत्र गुटिका है, राइट हैंड में माला। ओम माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तै तस्मन् तस्मान् मे सिद्धाम्बुवा, पूर्ण मालायै मम रक्षाम रक्षाम एतोस्मानम स पूर्णताम सिद्धि प्रदेना, एतोस्मानम स कुर्यात चैतन्ये रक्षाम पूर्वाम एतोस्मान् कृतेन कल्याण तुभ्यं संपादये। माले समर्पयामि नमः, माला को गले में दान कर लीजिए। अब गुटिका है, उस गुटिका के ऊपर तिलक करिए। सर्व शत्रु विनाशिनी तमा एतोस्मा अंधकार निवारक प्रज्वलितम स मम समस्त शत्रुणाम एतोस्मानम सुखा सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम सर्व गुटिकाये ब्रह्मांडेण सर्व शत्रुणाम विजय प्राप्ताय निमित्तम मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, पूर्ण श्याम बगलामुखी सिद्धि प्राप्त तुभ्यम संपर्द देहे। इस ये गुटिका अपने ब्रह्मांड का परिचायक है, ब्रह्मांड में कहीं पर भी शत्रु हो, उस शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए यह मैं मंत्र प्राप्त कर रहा हूं। घर में आप यंत्र को रखें, यंत्र के सामने गुटिका को रख दें, ये यंत्र खा, इसके सामने गुटिका को रख दिया, और ये यंत्र जीवन भर आपके घर में रहेगा। गुटिका तो 11 दिन के बाद नदी में प्रवाहित कर देंगे, मगर वह माला जिस माला से मंत्र जाप कर रहे हैं और ये यंत्र जीवन पर्यंत आपके घर में पूजा स्थान में रहेगा। कोई नित्य पूजा इसकी करने जरूरी नहीं है, मगर जब भी आवश्यकता हो आप पूजा करें, दीपक लगाएं। मैं वह विधि पूरी आपको समझा चुका हूं, अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं जो बगलामुखी मंत्र है, और ये मंत्र लिख करके यहाँ टांग दिया जाएगा और आप उसको नोट कर लें। मैंने इसका मूल जो अक्षर है वो समझा दिया है, वह मूल बीज मंत्र है। वो बोले ओम हलीम, बस ये हलीम शब्द बहुत ध्यान से उच्चारण करने देना, एच ए एल ई ई एम हलीम। कोई बोले हरीम, कोई बोले हीम, तो कुछ फायदा नहीं होगा। हलीम हलीम, ह आधा है, ओम वापिस बोलना, ओम हलीम बगलामुखीम सर्वदुष्टा नाम। यहां पर सर्वदुष्ट मंत्र जाप 11 दिन सर्वदुष्ट नाम बोलना है, मगर कोई व्यक्ति विशेष शत्रु हो 11 दिन के बाद में तो सर्वदुष्ट नाम की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है, ये ध्यान रखना है। वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम फट। कई किताब में स्वाहा लिखा हुआ है, कई किताब में कुछ लिखा हुआ है, वह स्वाहा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल फट शब्द है, उसके आगे कोई अक्षर नहीं है। अब मैं मंत्र आप इस दूसरी बार बोल रहा हूं, ओम हलीम बगलामुखीम सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम फट। तीसरी बार मंत्र बोल रहा हूं, ओम हलीम बगलामुखीम सर्व
दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम फट। इसमें अगर आपको कोई बाधा, कोई उच्चारण में गड़बड़ी, कोई विशेष समझना हो तो शास्त्र जी से आप समझ सकते हैं। इसकी आहुति कभी देनी हो तो आहुति में केवल पीली सरसों का ही प्रयोग होता है, घी और पीली सरसों, तीसरी कोई चीज का प्रयोग नहीं होता। उसे आप इसी मंत्र से आहुति दे सकते हैं और ज्यादा उस शत्रु को ज्यादा प्रहार करने के लिए अग्नि में, घर में थाली में या यज्ञ कुंड में अग्नि जला करके इसी मंत्र को बोलते हुए उसकी आहुति दे सकते हैं। केवल सरसों और अग्नि काम आएगी, या काली मिर्च मिला सकते हैं, पर सरसों मेन, घी मेन, और घी में थोड़ा पीली हल्दी मिला दें। पीला रंग मिलाने की जरूरत नहीं है, शुद्ध घी हो, डालडा या वनस्पति घी नहीं हो। इसमें आप किसी भी दिशा में मुंह करके बैठ सकते हैं, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे तो ज्यादा उत्तम है, यों किसी भी दिशा हो सकती है। मगर ये रात्रि कालीन साधना है, यज्ञ भी रात्रि को ही करें। रात्रि का मतलब 9 बजे, 9 बजे कोई ऐसी रात्रि होती नहीं। डरने की तो जरूरत है ही नहीं, क्यों, गुरु चित्र आपके सामने है, गुरु मंत्र आपके पास में है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, दोनों हाथ खोलिए, मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद अथर्वण ब्रह्म वाक्य स्थान त्यमनंतीम तो शत्रुवान अखितान प्रस्थितोत्यम गृहंती येन्द्रा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयुर्बुद्धि में सोबलम शीर्वर्चुषमाश्मालोक्यम मा विदत्मन महिते दानिंदनम पशुपुत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु पूर्णताय प्राप्ता निमित्त मम शिष्य पूर्ण शत्रु विनाशाय पूर्ण सुखा सौभाग्य प्राप्ताय तुभ्यम संपर्द देहे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन में शत्रु नहीं हो।